MSc थर्ड सेम. नाउ वी कंटिन्यू आवर फर्स्ट यूनिट. द टॉपिक और आवर फर्स्ट यूनिट इज द डिजीज फॉरकास्टिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजीज फॉरकास्टिंग? जैसा कि आप जानते हो, वेदर फॉरकास्टिंग होती है. न्यूज़ में आपने देखा होगा, या अभी भी गूगल पे आप सर्च करेंगे कि कल वेदर कैसा रहेगा या एक महीने बाद वेदर कैसा रहेगा. तो फॉरकास्टिंग मीन्स किसी चीज़ का अनुमान लगा के उसके बारे में कुछ भविष्यवाणी करना, कुछ प्रिडिक्शन करना, इज कॉल्ड फॉरकास्टिंग. तो यहाँ डिजीज फॉरकास्टिंग से हमारा मतलब ये है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक प्लांट डिजीज़ की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि कोई भी प्लांट डिजीज़ है, तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है, पैथोजन, होस्ट और एनवायरनमेंट. मीन्स एनवायरमेंटल जो फैक्टर हैं डिजीज़ के डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. तो एनवायरमेंटल फैक्टर के बिहाव पर, या होस्ट के बिहाव पर, या पैथोजन की फ्रिक्वेंसी के बिहाव पर ये अनुमान लगाना कि आने वाले एक स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक डिजीज़ कैसी रहेगी, उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो दीज ऑल आर मेजरमेंट इज कॉल्ड डिजीज़ फॉरकास्टिंग. में जब हम डिजीज़ के बारे में एक अनुमान लगाते हैं, एक प्रिडिक्शन करते हैं, तो वो डिजीज़ फॉरकास्टिंग कहलाती है. जैसा कि आपने देखा कि कोई भी डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है पैथोजन. अगर पैथोजन में प्रॉपर वायरुलेंस पावर नहीं होगी, प्रॉपर कैपेसिटी नहीं होगी, तो वो पैथोजन डिजीज़ कॉज करने में सक्षम नहीं होगा. नेक्स्ट है होस्ट. अगर होस्ट जो है जिसमें डिजीज़ कॉज करनी है, अगर वो होस्ट में ससेप्टेबिलिटी नहीं है, मीन्स अगर होस्ट रेजिस्टेंट क्वालिटी का है, रेजिस्टेंट है, तो वो अगर पैथोजन कितना भी वायरुलेंट हो, कितना भी पावरफुल हो, वहीं उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा और डिजीज़ को प्लांट के अंदर नहीं होने देगा. नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर. अगर होस्ट भी प्रॉपर ससेप्टिबल है और पैथोजन भी वायोलेंट है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर फेवरेबल नहीं है, जैसा कि हमने डिजीज़ के अंदर पढ़ा है, कई प्लांट डिजीज हमने स्टडी की हैं कि स्पोर जेमिनेशन के लिए या पेनिट्रेशन के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट चाहिए होता है. किसी डिजीज़ में टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, तो किसी डिजीज़ में एक लो टेम्परेचर के साथ साथ हमें ड्यू या मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट भी रहती है. ऑन द बिहाफ ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर डिजीज तभी सक्सेस हो सकती है जब एनवायरमेंटल फैक्टर उसको सपोर्ट करें. तो बेसिकली प्लांट फॉरकास्टिंग या डिजीज़ फॉरकास्टिंग क्या है? एक डिजीज़ के बारे में अनुमान लगाना ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फैक्टर. इन फैक्टर्स के बिहाफ पर जब हम अनुमान लगाते हैं, तो उसे डिजीज फॉरकास्टिंग कहते हैं. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्व इन दिस इंटरेक्शन, इन विच इंटरेक्शन फॉरकास्टिंग कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरमेंट, ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपस में इंटरेक्ट करके डिजीज़ को कॉज करते हैं. इट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर मिनिमाइजिंग द लॉस फ्रॉम द प्लांट डिजीज़ थ्रू एडॉप्टेशन ऑफ सुटेबल कंट्रोल मेजर्स. ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम इसका डिजीज़ का फॉरकास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन डिजीज़ फॉरकास्टिंग करना हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है? एक्चुअली डिजीज़ फॉरकास्टिंग से जो अगर हमें पता लग जाए कि कौन सी डिजीज़ सीवियर फॉर्म में हो सकती है, तो उस डिजीज़ के जो कंट्रोल मेजर हैं पहले से उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. तो अगर हम पहले से कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करते हैं, तो उस डिजीज़ से होने वाले लॉस को बहुत मिनिमाइज़ किया जा सकता है. डेट्स वाई द फॉरकास्टिंग ऑफ डिजीज़ इज़ वेरी हेल्पफुल टू मिनिमाइज द लॉसेज ऑफ द डिजीज़. ओके, अगर हम इसमें एक एग्जांपल देते हैं डिजीज़ फॉरकास्टिंग में, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज़ है, बेसिकली आपने देखा कि प्लांट के जो ऊपर जो फॉलियस पार्ट होता है, उसमें लीफ होती हैं, उसको डैमेज कर देती है. और जब प्लांट का फॉलियस पार्ट डैमेज हो जाएगा, तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? ऑफकोर्स प्लांट नॉट एबल टू डू फोटोसिंथेसिस. और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम ही नहीं होगा, तो जब फूड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या उसमें ट्यूबर से पोटैटो का फॉर्मेशन हो पाएगा? ऑफकोर्स नो, उसमें ट्यूबर से पोटैटो का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस स्टार्च के फॉर्म में जो प्लांट फूड को प्रोड्यूस करता है, वो स्टार्च कहाँ कहाँ जाके स्टोर रहता है? पोटैटो के ट्यूबर्स में, आलू के फॉर्म में स्टोर रहता है, जिसे एज ए वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं. लेकिन अगर ये लेट ब्लाइट और पोटैटो डिजीज़ है, ट्यूबर बनने से पहले ही पोटैटो की क्रॉप के अंदर हो जाती है, तो उसके फॉलियस पार्ट को ये डिस्ट्रॉय कर देगी. और जब फॉलियस पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो दे नॉट एबल टू डू फोटोसिंथेसिस और नॉट टू प्रोड्यूस एनी फूड, एंड के नॉट एबल टू स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबर्स. जब ट्यूबर्स के फॉर्म में फूड को स्टोर ही नहीं कर पाएंगे, ओके, तो जब ट्यूबर्स के फॉर्म में फूड को स्टोर ही नहीं कर पाएंगे, तो उसमें जो इस डिजीज़ से होने वाला लॉस जो है बहुत ज़्यादा हैवी लेवल का होगा. मीन्स हम इजीली कह सकते हैं कि जब लेट ब्लाइट और पोटैटो डिजीज़ ट्यूबर बनने से पहले होती है, तो इस डिजीज़ से होने वाला लॉस बहुत हाई लेवल का होता है. बट अगर ये डिजीज़ ट्यूबर बनने के बाद होती है, तो ऐसा हमें लगता है देखने में कि हाँ भाई, इस डिजीज़ से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि उसका फॉलियस पार्ट सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका लीफी पार्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट इससे होने वाला लॉस बहुत कम होता है.
sorry, one second, sorry. Now, ऐसा ही हम दूसरे डिस्कस कर सकते हैं राइस ब्लास्ट. राइस ब्लास्ट, राइस ब्लास्ट में भी यही है कि इसका जो राइस ब्लास्ट की होने के टाइम पर डिपेंड करता है कि राइस ब्लास्ट जो है वो कितना लॉस करती है किसी प्लांट में, किसी डिजीज के अंदर या किसी उसके स्टेज के ऊपर. बेसिकली क्या होता है, राइस ब्लास्ट जो है ये मेट्रोलॉजिकल फैक्टर पर यानी सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है. राइस ब्लास्ट ऑफ द डिजीज इज डिपेंड ऑन द मेट्रोलॉजिकल फैक्टर या सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है कि इससे होने वाली जो डिजीज है वो इससे होने वाली जो डिजीज है और राइस ब्लास्ट ऑफ डिजीज से लॉस जो होगा वो उसके मेट्रोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है कि डिजीज़ कब होनी है. जैसा कि मैंने अभी पोटैटो के केस में आपको एक्सप्लेन किया कि अगर जल्दी हो जाएगी तो डिजीज़ से होने वाला हैवी लॉस होगा, अगर डिजीज़ लेट होती है तो होने वाला जो लॉस है वो लेट होगा. एज वेल एज राइस ब्लास्ट में भी, राइस ब्लास्ट में भी प्रेजेंट इन एन एरिया बट इट्स डेवलप इन द एपिडेमिक्स फॉर्म विल डिपेंड ऑन मेट्रोलॉजी फैक्टर. हम कह सकते हैं किसी जगह पर राइस ब्लास्ट और पेडी डिजीज है तो ठीक है, लेकिन उसका अगर वो जो डिजीज़ है अगर बहुत ज़्यादा एपिडेमिक फॉर्म में या महामारी के फॉर्म में अगर होती है तो ये उसका होना डिपेंड करता है मेट्रोलॉजिकल फैक्टर. मेट्रोलॉजिकल फैक्टर मीन्स सॉइल से रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं. हाँ, डिजीज़ नॉर्मल फॉर्म में हो सकती है बट शुड कंट्रोल मेजर बी रिजिडली अप्लाइड एवरी ईयर और बी मेड अ मस्ट इन द दीज स्टिमुलेशन में कंट्रोल मेजर सच एज यूज ऑफ केमिकल्स इन्वॉल्व एडिशन ऑफ कॉस्ट. अगर इसी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसके मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स सक्षम नहीं हैं तो कई कंट्रोल मेजर्स को यूज़ किया जाता है, कई केमिकल्स को यूज़ किया जाता है. अब आप खुद ही इससे फील कर सकते हैं कि एक जो क्रॉप है वो विदाउट एनी कंट्रोल मेजर को यूज़ किए हुए प्रोडक्शन कर रही है और एक जगह में प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वहाँ बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स को, बहुत सारे जो कॉस्टली केमिकल्स को यूज़ किया जा रहा है. तो अपने आप ही क्या होगा, जब फार्मर्स उस डिजीज़ को यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, कॉस्टली यूज़ करेंगे तो उसकी जो कीमत है, उसकी जो रेट है वो बढ़ जाएगी.